हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, BDS का मॉपअप राउंड का सीट मैजिक रिलीज कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे जीम्ड और ऑल इंडिया दोनों के लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया गया है। आपको ये है, देखिए MBBS में भी कुछ सीटें खाली है, लेकिन MBBS का काउंसलिंग क्लोज हो चुका है 28 अप्रैल को, और लेकिन BDS का कराया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे ये BDS के लिए सेकेंड मॉपअप एंड आप देखिए स्ट्रे। BDS और MBBS का काउंसलिंग साथ साथ होता था, आपको ये पता है, लेकिन BDS में सीटें खाली है तो ये कराया जा रहा है। MBBS में कुछ सीट खाली है लेकिन उसका काउंसलिंग क्लोज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये BDS का स्ट्रे का है, और ये भी आप देखे होंगे कल लास्ट डेट था 3 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करने का, और रिसर्च फैसिलिटी 3 तक ये प्रोवाइड किया गया था, 3-5 तक। पेमेंट फैसिलिटी भी कल 3-5 तक ही था। ठीक है, और ये देखेंगे दोस्तों, अब जो सीट मैट्रिक्स है उसमें हम एक बार एनालिसिस करते हैं और क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखिए, BDS में काफ़ी कम पे सीटें मिल जाएगी। ये सीट मैट्रिक्स मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे टोटल सीट, ठीक है, तो ये आपके बनते हैं 248। ठीक है, 248 BDS में। ठीक है, BDS का जो सीटें बन रहा है वो है 248, और 113 जो है ये 113 सीटें जो BSc नर्सिंग के लिए, ये टोटल सीटें 362 हो रहे हैं। ठीक है, 342। तो 249 जो सीटें हैं BDS का है, टोटल सीट 362। आप देख रहे हैं BSc नर्सिंग और, तो ये मैंने आपको बताया कि 249, आप यहाँ पे 249 मैंने कैलकुलेट किया है, 249 BDS का प्लस 113 BSc नर्सिंग का, तो ये हो गया 362। तो टोटल सीटें इतने वैकेंट है, क्या रह सकती है कट ऑफ। कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी दोस्तों, क्योंकि BDS में एडमिशन बहुत कम बच्चे जो हैं लेना चाहते हैं, इसलिए देखिए कट ऑफ। पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो कट ऑफ गया था 558 गया था, तो इस बार 550 तक आपको आराम से मिल जाएगा कॉलेज, 8-10 नंबर इसमें कम हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 249 सीटें हैं। ठीक है, तो EWS में भी आप ऐसे 8-10 नंबर कम कर लीजिए, ये जो आपको कट ऑफ दिख रहा है, तो इतने आराम से कम हो जाएंगे। आपको 550 नंबर है तो आराम से आपको चांसेस है BDS मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये जो कट ऑफ गया था, जैसे AC का 436 गया था, अगर 425 नंबर भी है तो इनको कॉलेज मिलने का चांस बन रहा है अब। और ST का जो है 390 प्लस है, तो इनको कॉलेज BDS मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस सेकेंड मॉपअप और जो स्ट्रे है इसमें काफ़ी कम कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, और MBBS का काउंसलिंग क्लोज हो चुका है, बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि MBBS में मैंने जैसे आपको बताया था कुछ सीटें खाली हो सकती है, और कोर्ट के कहने पे ही ये कुछ करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपडेट अब तक का, और चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे BDS लेना चाहते हैं वो BDS ले सकते हैं, अदरवाइज नीट का तैयारी कीजिए आप। 17 जुलाई को आपको पता है पेपर होने जा रहा है, तो अच्छी से तैयारी कीजिए और MBBS लीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।